तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो बच गया था क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से 3 तक बता दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। पहले ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको ना तो बल्ला का मूल्य पता है और ना ही गेंद का मूल्य पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एक बल्ले का मूल्य या कीमत, ठीक है, एक बल्ले का कीमत कितना रुपया मान लें, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपया। ठीक है, और एक गेंद का भी मूल्य मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं हम लोग कि वाई रुपये है। एक गेंद का मूल्य या कीमत एक ही बात है, मान ले कितना रुपया, वाई रुपये। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कहें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले प्लस कितना गेंद, 6 गेंद। ठीक है, कितना में खरीदा है ये, 3800 रुपये में खरीदा है। तो बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, 3800 लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही में बोला यहाँ पर है 3 बल्ला और 5 गेंद, दूसरे दिन क्या होगा बाद में। ठीक है, और उसने क्या खरीदा, 3 बल्ला 1 मिनट। इसी को पहले देख लीजिए आप लोग कि बल्ला का कीमत क्या रुपया था, एक्स रुपया। तो यहाँ लिखेंगे कितना, एक्स 7x प्लस में 6y बराबर में कितना, 3800। ठीक है, मान लेंगे इसको समीकरण 1। ठीक है, फिर से बोला कि फिर से गया, अगेन गया, और जब ये दोबारा गया तो उसके बाद ये खरीदा 3 बल्ला प्लस में 5 गेंद। ठीक है, और कितना में खरीदा है, 1750 रुपये, यानी कि 1750 रुपये में क्या क्या खरीद लिया उसने। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये भी है कि ये 3x हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा, बराबर में कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1750 रुपये लिखेंगे। ठीक है, और इसको मानेंगे कितना, इक्वेशन सेकेंड। बस समझ में आ रहा है, अब आपको क्या करना है ना, इक्वेशन फर्स्ट से चलना है और x का मान क्या करना है सेकेंड में, या y का मान आपको सेकेंड में रख देना है, फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर से चलते हैं हम लोग, लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, देखते चलिए फटाफट कैसे बनता है। 7x प्लस 6y बराबर में दिया यहाँ पर है 3800, तो हम लिखते हैं इसको, जो कहते हैं 7x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3800 माइनस 6y। ठीक है, जोड़ में गया घटाओ में, है गुना में 7 जाएगा भागा भाग में। ठीक है, तो 3800 माइनस 6y बटा में कितना लिखेंगे, 7, इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सॉरी आपको, कि यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, x का मान समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब जब हम 2 में रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 2 है क्या, यहाँ पर है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे मालूम है ना आपको, वो रख लीजिए आप लोग, 3 × 3800 - 6y माइनस में, सॉरी बट्टा में, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे, प्लस 5y है तो 5y बराबर में कितना लिखेंगे, 1750 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये कटने वाला नहीं ना है तो गुना करवाइए पहले, 8 + 3 = 24 और 3 × 3 = 9 + 2 = 11। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, 6 + 3 = 18y आ जाएगा, 7 पहले से है प्लस में 5y बराबर में कितना है, 1750। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये सीधे नहीं घटेगा, पहले गुना करवाएंगे। ठीक है, 7 + 5 कितना होता है, 35, तो पहले हम लोग 7 + 5 = 35 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा इतना माइनस 18y, 7 + 5 कितना, 35y। ठीक है, बटा में कितना है, 7 बराबर में 1750। अब ये भाग में है, जाएगा किसमें, गुना में। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि इतना माइनस, सॉरी घटाइए पहले, तो यहाँ आ जाएगा 18 + 17 होता है आपका, 8 + 7 = 15 = 35, यानी कि प्लस में 17y आ जाएगा। ठीक है, अब ये उधर गुना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, 1750 × 7, ये जोर में जाएगा किसमें, घटाओ में, तो 17y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गुना करवाइए, 7 + 5 = 35,
सत्तर 49 7 3 9 3 12 52 3 7 3 10। इसमें से आपको घटाना है इतना, एक बार घटाइए, घटाइएगा तो आ जाएगा 0 5 12 में से 4 गया थे, क्या बच जाएगा हमारा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो 850 आ गया। इधर 17 गुना में है, भाग में जाएगा, ठीक है, तो वाई बराबर क्या जाएगा, 17 50 85 50 रुपया। मतलब कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि y का मान 50 आ गया, मतलब गेंद का कीमत मालूम हो गया हमको 50 रुपया, ठीक है। y का मान आपको समीकरण किस पे रख देना है, 3 में, ठीक है, वहां से आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, बट उधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझ लीजिए, वहां दिया है आपका वाई का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रख लेंगे, ठीक है। अब जब 3 में रखिएगा तो 3 यहां पर आपका कह रहा है कि x बराबर 3800 माइनस 6y बाई 7, ठीक है। अब यहां पे 3800 माइनस 6 इंटू 50 50 बटे में 7, देखिए 3800 में से बताइए 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3500। 3500 में जब आप 7 से भाग दे रहे होंगे तो 7 5 3500 ₹500, यानी कि हमारा क्या आ गया, देखिए बल्ला का कीमत माने थे ₹1, वो आ गया 500, और गेंद का कीमत माने थे y, तो वो हमारा आ गया कितना, ₹50, ठीक है। इस तरह से आपको बनना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे लिखना भी है कि माने थे ना, उसमें लिखना है एक बल्ले का कीमत x बराबर यहाँ पे 500 रुपया था ना, 500 रुपया, ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है कि एक गेंद का मूल्य वाई यानी कि 50 रुपया, ठीक है, ये दोनों बात आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक, तो कीजिए नोट्स, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहा है यहाँ पर समझिएगा, बोला है आप लोगों से एक नगर है, ठीक है, उसमें टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार है कि एक भाग नियत है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपया लगता है, ठीक है, और साथ ही में बोला अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो भाड़ा 155 रुपया लगता है। तो पूछा क्वेश्चन से अगर आप 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कोई भाग नियत है तो पहले उसको मान लेंगे हम लोग, ठीक है, नियत भाड़ा मान लेते हैं कि 100 रुपया था, ठीक है, और अतिरिक्त दूरी आप जितना भी जाते हैं, अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो वाई रुपया, ठीक है, 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2y रुपया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम मान लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा, माना कि नियत भाड़ा मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लिए, 100 रुपया, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा जो है हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब क्वेश्चन से क्या कहा समझिएगा, बोला है क्वेश्चन से कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लगता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए हमें कितना लगता है, 105 रुपया लगता है। इसका मतलब ये है ना कि x रुपया तो लगेगा, अब प्लस में हमारा क्या होगा कि 10y रुपया भी लगेगा, मतलब 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर का y रुपया है तो y, ठीक है, बराबर में कितना लिखेंगे, 105 रुपया, ठीक है। समीकरण क्या लिखेंगे, इसे फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, एक भाग नियत है x माने 10 किलोमीटर जाना है तो 10y देना पड़ेगा, ठीक है, और लगता कितना है, 105 रुपया लगता है, दोनों जोड़ के 105 रुपया लगा, ठीक है। फिर से बोला क्वेश्चन कि अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं, वही दूरी अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 100 रुपया तो लगेगा, प्लस में 15y रुपया लगेगा हमें, ठीक है, जबकि देना कितना पड़ता है हमको, 155 देना पड़ता है ऐसा प्रश्न में, तो चलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन से, चूंकि बनाना है हमें, तो हमसे पूछा 25 किलोमीटर जाने के लिए तो पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं और फिर 25 किलोमीटर बोला है तो वहां पर रख लेंगे हम लोग, बन जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से में क्या है यहाँ पर देखिएगा, एक्स प्लस कितना वाई, 10y बराबर 105 है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं एक्स बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3, यहाँ तक दिक्कत है। अब x का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है, लिखना यहाँ पर है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 यहाँ पर देखिए, 2 यहाँ पर कह रहा है आपका x प्लस 15y बराबर में 155, ठीक है।
अब एक्स का मान यहाँ पर रख लीजिए कितना है, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर में है 155। अब आप भाली भांति समझते हैं, यहाँ पर समझिएगा कि 15 में से 10 जाएगा तो 5 वाई बचेगा ना, बचेगा ये 105 जोड़ में जाएगा घटाओ में, तो 155 में से हम लोग क्या करेंगे ना कि 105 को यहाँ पे घटा लेंगे, ठीक है। जब घटाइएगा तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 50 बच जाएगा, नहीं बचेगा, 50 बच जाएगा, ठीक है। आइए गुना में भागेगा भाग में, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई 5 आएंगे 50, वाई बराबर कितना आ गया 10। अब वाई का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या कहता है आपका, 3 कहता है यहाँ पर है x बराबर 105 माइनस 10 वाई, ठीक है, 105 माइनस 10 वाई यही है। अब देखिए यहाँ पर रखिएगा, जब आप 105 माइनस 10 गुने 10, 10 दाई के 100, 105 में से 100 घटाइए तो कितना आएगा, 5 ही ना आएगा। इसका मतलब क्या है कि नियत भाड़ा जो हम माने थे एक्स रुपया, ये हमारा कितना आ गया बताइए, 5 रुपया। अतिरिक्त भाड़ा जो माने थे वो कितना आ गया, 10 रुपया, ठीक है। आपसे पूछा क्वेश्चन से कि हमको 25 किलोमीटर जाना है, तो जब आपको 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर आपको जाना है, दूरी तय करना है, तो इसका मतलब कि एक्स तो लगभग करेगा प्लस कै रुपया लगेगा, 25 वाई रुपया लगेगा। एक्स का मान कितना है 5, 25 इसका मान है 10, अतिरिक्त भाड़ा 10 लगता है, तो 25 जाएंगे 250 और 5, तो कितना रुपया लगेगा हमको बताइए, 255 रुपया लगेगा, कितना किलोमीटर का, 25 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का हल करना था, साथ ही इम्प्लाई भी देना आपको, ठीक है, और या इसे बोलते हैं तो ये भी देना आपको, इस पर भी नंबर कटता है, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, तो उतारिए इसे, नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, वो 4 था पिछले वाला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर क्या बोला आप लोगों से समझिएगा कि यदि किसी भिन्न का अंश, पहले आपको ये समझना है कि भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या आता है ना, किसी को भी अगर बट्टे के रूप में लिखा जाए, ठीक है, x बटे वाई के रूप में या a बटे बी के रूप में या p बटे क्यू के रूप में, तो वो हमारा भिन्न कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला आप लोग अच्छे समझिएगा कि यदि किसी भिन्न का अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, जैसे कि आप जहाँ समझिए यहाँ पे कोई भिन्न है, मान लेते हैं, माना कि कोई भिन्न है, माना कि कोई भिन्न एक्स बटे वाई, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका, हर कहलाता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्या को बोला आप समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दे, दोनों में कितना जोड़ देना, दो जोड़ देना, इसमें भी दो जोड़ देना है और इसमें भी दो जोड़ देना है, ठीक है, तो ये हो जाता है, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/11, ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है ना। 11 से इसको गुना करवाएंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और 9 से इसको गुना करवाएंगे तो 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना करवाइए तो 11x 11 2 22, 9y प्लस में 9 2 18, ठीक है। अब देखिए 22 को उधर ले चलते हैं, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस 22, ठीक है, 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 4 बचेगा, 4 लिख देते हैं। अब ये गुना में है 11, नहीं तो भाग में जाएगा, तो 9y प्लस 4 बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, 11 लिखेंगे, समीकरण यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 लिखते हैं, समीकरण 3 को लिखेंगे, 1 दो माने कहाँ है, कर, ठीक है। अब चलते हैं आगे समझते हैं, इसी में आगे क्या बोला, इसी में आगे प्रश्न में बोला है आप लोगों से कि अगर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, समझेगा, अब 3 जोड़ देने की बात बोला है, फिर से क्वेश्चन बोला है कि अगर उसमें कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे, तो पहले था x बटे वाई, अब जोड़ देना है इसमें भी 3 और जोड़ देना है इसमें भी, देखिए यहाँ पर 18 में से 22 जाएगा तो माइनस 4 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी माइनस 4 होगा, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए दोनों में 3 जोड़ देने की बात बोला है, अगर 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5 बटे कितना 6, तो 5 बटे यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब इसको इससे गुना करवाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए, 6 गुना एक्स करेंगे तो 6x, 6 3 18, और इधर गुना करवाइएगा तो हो जाएगा ये 5y,
प्लस में 5 3 15 ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना कि एक्स का मान यहाँ से उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी रखिएगा फिर भी बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझिए 6 × x का मान क्या है बताइए, 9y माइनस में 4 अब बट्टे में 11। ठीक है, अब प्लस में कितना है 18, इजोर में है इधर ले आइए तो 15 घटाव में आ जाएगा बराबर में 5y। ठीक है, अब देखिए गुना कर भाई 9 × 6 = 54y हाँ कि ना, 6 × 6 = 24 अब बट्टे में कितना है 11 प्लस में 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 3 बराबर कितना हुआ 5y, 11 3 33 तो 54y - 24 अब प्लस में कितना हो गया 33 नहीं ये ना होगा बटे में कितना है 11 बराबर क्या हुआ 5y, 11 5 55 तो 54y - 24 आई प्लस 33 है तो माइनस यानी कि 33 में से 24 जाएगा नहीं 13 में से 4 जाएगा 9 बच जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा प्लस का 9 बच जाएगा। ठीक है, 11 5 55 y। ठीक है, अब y को एक तरफ ले जाते हैं उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 = 55y घटे 54y। ठीक है, 55y - 54y तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 9 आ जाएगा ना। अब क्या करते हैं ना इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक क्या कहता है यहाँ पर देखिए x बराबर 9y - 4/11। ठीक है, 9y का मान कितना है 9 - 4/11 9 9 1 1 में से 4 जाएगा 77 तो 77 बटे क्या करेंगे 11 11 7 77 तो x का मान क्या आ गया बताइए, x का मान आ गया हमारा कितना 7 और y का मान आ गया 9 तो भिन्न माने थे हम लोग x बटे y तो नीचे में लिखेंगे आता हमारा भिन्न जो है ना x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सही आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले आपको ये उतारना है फिर ये और इसके बाद ये। ठीक है, तो उतारिए इतना फटाफट। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़े और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे देखिए बोला है आप लोगों से 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो हम लोग 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, पूर्व की बात करेगा तो 5 वर्ष घटा देना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या है आप लोगों से समझिएगा, बोला यहाँ पर है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कोई जैकब नाम का है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद की बात बोला है। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है दोनों की, तो पहले देखिए ना तो जैकब की आयु मालूम है ना तो पुत्र की आयु मालूम है, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना कि जैकब की आयु मान लेते कितना वर्ष है एक्स वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं कितना वर्ष है वाई वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या बोला आप लोगों से, प्रश्न से क्या बोला यहां पर कि 5 वर्ष बाद, अब बताइए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद जो है जैकब बढ़ेगा तो पुत्र थोड़े ना उतने को रहेगा, पुत्र भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का 5, उसका पुत्र हो जाएगा y प्लस का 5। ठीक है, और प्रश्न से बोला यहाँ पर है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, देखिए ये तो पहले ही से 3 गुना हो जाएगा, कौन पिताजी उसके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना हमेशा और हमेशा पुत्र वाला में गुना करेंगे। ठीक है, तो अब जब इसको देख रहे होंगे तो x प्लस 5 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 3y प्लस का कितना 15 लिख सकते हैं ना, जोड़ में है ले चलते हैं उधर घटाओ में इसको, 3y प्लस में 15 और घटे में 5 तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 3y प्लस का कितना 10। समीकरण क्या मान लेंगे इसको 1 मान लेंगे, बताइए इतना तक समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसी में आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अब बताइए 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना y माइनस 5। ठीक है, और आप लोगों से बोला यहाँ पर है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसकी आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पहले से 7 गुनी थी, तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा और हमेशा पुत्र पुत्री वाला में गुना करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से हम लोग गुना करवाएंगे इसमें। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा x माइनस फाइव और इधर हो जाएगा हमारा सेवन वाई माइनस सात बचे पैंतीस। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर x का मान रख सकते हैं कितना है तीन वाई प्लस में कितना दस माइनस में पांच बराबर में लिख सकते हैं सात वाई माइनस में पैंतीस। ठीक है, अब आप देखिए y को एक तरफ ले आइए तो यहाँ पर लिख सकते हैं तीन वाई माइनस सात वाई, ये हमारा कितना हो जाएगा दस में से पांच गया पांच, उधर ले चलते हैं उसको। ठीक है, माइनस पैंतीस है माइनस पांच, पैंतीस पांच कितना हो जाएगा बताइए, पैंतीस पांच हो जाएगा चालीस होगा ना। इधर देखिए तीन वाई में से सात वाई जाएगा तो माइनस चार वाई, तो माइनस चार वाई बराबर में माइनस चालीस, वाई बराबर क्या आ जाएगा बताइए माइनस चालीस बटे माइनस चार, चार दाई के चालीस, वाई का मान क्या आ गया बताइए वाई का मान दस, वाई का मान रख देंगे समीकरण एक में, मान लेते हैं समीकरण दो है। ठीक है, वाई का मान हम लोग किस में रखेंगे, वाई का मान हम लोग रखेंगे समीकरण एक में, जब एक में रखेंगे तो एक हमारा कहता है यहाँ पर है, एक क्या कहता है एक्स बराबर तीन वाई प्लस दस, तीन वाई प्लस दस, वाई का मान दस आया तो रखिए यहाँ पर तीन गुने दस जोड़ दस, तीन आएंगे तीस और दस कितना हो जाएगा चालीस, यानी कि जैकब की आयु माने थे एक्स वर्ष, ये कितना वर्ष का है चालीस वर्ष, और इसके पुत्र की आयु कितना वर्ष है दस वर्ष। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रश्न को करना था। ठीक है, बाद बाकी आप समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे इम्प्लाई भी देना है। ठीक है, ये नंबर आपका घटा सकता है तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, बाद बाकी आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे ये बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर दीजिए, बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्त की भी शेयर कीजिए, बताइए उसे इस तरह का पढ़ाई यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो रहने देते हैं आज में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।